नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में लगातार सुशील मोदी नए नए खुलासे करते हैं और तेजस्वी यादव के खिलाफ रोज नए नए सबूत देते हैं, लेकिन इस बार सुशील कुमार मोदी के खिलाफ ही सबूत मिल गया है। दरअसल अब सुशील कुमार मोदी फेरा में फंस चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार सुशील मोदी को तेजस्वी के खिलाफ आगे करती है और सुशील मोदी हर बार नए नए सबूतों के साथ सामने आते हैं। जब भी नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ सरकार बनाते हैं तो सुशील मोदी की सक्रियता बढ़ जाती है और ऐसे में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी एक बार फिर से बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री उन पर मानहानि का केस करेंगे। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि सुशील मोदी जिस तरीके की बातें करते हैं वो कहीं से उचित नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम उनके खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। दरअसल बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री को लेकर चर्चा हुई और ये बातें सामने आई कि वो प्रोफेसर हैं जिस कॉलेज के, वहां से भी वेतन ले रहे हैं, बिहार सरकार से ही वेतन ले रहे हैं और प्रोफेसर के तौर पर वो पढ़ाने भी नहीं जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये आरोप लगाया और जैसे ही यह आरोप लगा बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री पर तो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन गया कि आखिर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री दो दो जगह से वेतन उठा रहे हैं, पढ़ाने भी नहीं जाते हैं, प्रोफेसर भी हैं। तो ऐसे में अब शिक्षा मंत्री ने पहले भी इस बात का खंडन किया और कहा कि मैं वेतन नहीं लेता हूं। उन्होंने कहा कि मैं एक ही जगह से वेतन लेता हूं और उन्होंने अपनी बातों को रखा। उन्होंने स्पष्ट तरीके से साफ तौर पर कहा कि ये भ्रामक बातें हैं, ये गलत बातें हैं, इसमें कहीं से कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद अक्सर चर्चा शुरू हो जाती है कि आखिर शिक्षा मंत्री क्या चाहते हैं। शिक्षा मंत्री हर बार कुछ ऐसा बयान देते हैं जिससे वो विवादों में घिर जाते हैं। शिक्षा मंत्री की रणनीति क्या है? तो उनकी रणनीति तो स्पष्ट नजर आ रही है कि उनके खिलाफ सुशील मोदी ने जिस तरीके की बातें कही हैं और अब वो सुशील मोदी के खिलाफ मानहानि का केस करने जा रहे हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि सुशील मोदी खुद दूसरे पर केस करने वाले हैं, लगातार दूसरों पर केस कर रहे हैं, अब सुशील कुमार मोदी पर ही केस होता हुआ नजर आ रहा है और वो भी बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री केस करेंगे। उनके खिलाफ गलत अफवाह उन्होंने उड़ाई है, भ्रामक खबरें फैलाई हैं और इसको लेकर उनकी छवि को ठेस पहुंचा है और ऐसे में अब वो सुशील मोदी के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।